अब से कुछ घंटों के बाद देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। झारखंड की 14 सीटों पर भी कल रिजल्ट आने हैं। खास करके झारखंड की राजधानी रांची की सीट पर सबकी नजर है, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहा एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। सुबोध जी, कल परिणाम आना है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं कूल हूँ, बहुत ज्यादा मुझको न एक्साइटमेंट है न कोई धड़कन है, क्योंकि एक स्मूथ तरीके से काम करता हूँ और कहीं से मुझे निगेटिव कोई सुनने को नहीं मिला है। जितने लोगों ने कहा कि साहब भैया ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। वो जी, 14 सीटों की अगर बात करते हैं तो एग्जिट पोल जो आया वो तो जो भी तस्वीर बता रहा है, आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है? आपने भी पूरे झारखंड में चुनाव प्रचार किया। हम झारखंड में कम से कम 12 सीट जीतेंगे। मैं पहले 13 कहता था, 12 जीतूंगा मैं, और वो लॉजिकली है हमारे दिमाग में। दूसरा ये है कि पोल रिजल्ट जो आ रहा है आप भी देख रहे हैं, कोई 2 कहता है, कोई 4 कहता है, कोई 6 कहता है, कोई 8 कहता है, तो किसका पोल रिजल्ट मांगना जाए कि सही है? सिर्फ एग्जिट पोल के नाम पे जो ओपिनियन बिल्डअप किया और वो निकाल लिया आपने, देख लिया, एक तो ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से साजिश के तहत ये पूरी घटना हुई। दूसरा कि मोदी जो है इस पूरी घटना से चाहते हैं कि अपोजिशन का वर्कर हो, डिमोरलाइज हो जाए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन है तो क्षेत्रीय पार्टियों के जो लोग हैं उन पे पोचिंग करने में थोड़ी उनको आसानी हो जाए ये पूरी 2 दिन के माहौल बनाने से। लेकिन हकीकत है कि जो झारखंड का रिपोर्ट है, आप सब लोग चप्पे हैं, यहाँ तो एनडीए डाउन जा ही रहा है, लेकिन यहाँ भी एनडीए को 14 ही उठाए हुए हैं कि 14 वही जीतेगा। जी, क्या आपकी नजर में भी चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सही है? मैं आपको देखिए बताऊं कि पहली बार जो लोग भी बहुत पॉजिटिव है, 6 तारीख को चुनाव हुआ, मैं 7 से बाहर घूम रहा हूं, ऐसा अविश्वास का वातावरण कभी नहीं बना था पूरे देश में। ईवीएम को लेके जो एक माहौल है हर राज्य में आप देख रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ये जो मूवमेंट था, जब चुनाव खत्म होते जा रहे हैं तो ये बीच में मूवमेंट क्यों कराया? नंबर एक, अगर आप मूवमेंट कराते हो उसी स्ट्रांग रूम से निकाल के जहां पोल किया हुआ ईवीएम रखा है, तो क्यों नहीं आप सारे उम्मीदवार को बुला करके कहते हो कि ये मूवमेंट होने जा रहा है। तीसरी बात ये कि पोल होने से और कंट्रोल जो स्ट्रांग रूम में आने के बीच में इतना ज्यादा गैप है। हमारे यहां कुछ ईवीएम गांव में ही रह गए, किसी को पता नहीं है कि क्यों रह गए, तो हम किस चीज का गार्ड कर रहे हैं? जब गांव में आप रात भर रख दिया, दूसरा दिन आया तो बदल भी सकता है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि 7 जगह क्लस्टर बना के रख दिया, क्यों नहीं किसी उम्मीदवार को बताया? किसी को भी बताते कि साहब यहां यहां है, यही तो है ना विजिलेंट, कि साहब ईवीएम को पोल होने के बाद पीछे पीछे ले जाकर के लोग कंट्रोल रूम में रखवाता था, तो उसका उल्टा कर दिया। तीसरी बात मैं बताऊं कि बहुत से ईवीएम पोल होने के बाद लॉक भी नहीं हुए, उनको प्रॉपरली लॉक किया जाता, ओपन है, पता नहीं रास्ते में कितना दबा दिया होगा लोग। चौथी बात ये कि जो हमको फॉर्म 17C जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट को देता है उसमें फिगर ही नहीं लिखा हुआ है, सादा दे दिया है, बहुत में लिख दिया है कितना टोटल वोट है उसका फिगर लिख दिया है, इतनी अव्यवस्था है जिसपे इलेक्शन कमीशन नीचे से लेके ऊपर तक जवाब देने के लिए बाध्य है कि क्यों ऐसे हो रहा है। जी, कुछ घंटों के बाद यूपीए की वापसी होगी, ऐसा लग रहा है आपको? निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि जो हम सब लोगों के सामने फिगर है उस फिगर को देख के कहीं से नहीं लगता है कि कहां से यूपीए जो है वो कम हो रही है और नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं।
निश्चित तौर पे वापसी हो। चलिए, ये थे सुबोध कांत सहाय जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले कुछ घंटे के बाद यूपीए की वापसी होगी, और साथ साथ रांची संसदीय सीट पर उनका कहना था कि ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता इनके साथ है। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची।